कंगना रनौत की तेजस मूवी देखकर आ रहा गाइस एंड भैसेस। अब देखो, जब देशभक्ति पैट्रियोटिक ऐसी कुछ फिल्म आती है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक चीज, वो है कनेक्शन। बट तेजस के केस में शुरू में ही पता चल जाता है कि जब ये फिल्म फिक्शनल ही है तो लोग उस नजरिए से एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते इस फिल्म को। और एक और चीज एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा जब आप लोग ये चीज सुनोगे कि भाई साहब सुबह के 3 शोज बैक टू बैक कैंसल हो गए हाउसफुल होने की वजह से। थिएटर वाले हैरान हो गए कि यार इतने सारे इनविजिबल ऑडियंस आए कि दंगा हो जाएगा इतने क्राउड देख के। सोचो इस लेवल का हाइप है तेजस का। वैसे भी कंगना रनौत के पास चांस है क्योंकि अभी अभी कॉफी विद करण वायरल हो रहा है, तो उंगली करके वो फिल्म का प्रमोशन कर सकती है अपने। एनीवेज, अगर मैं तेजस इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि यार कंगना रन आउट हो गई, बिकॉज द फिल्म इज जस्ट एवरेज। फिल्म वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड टू गिव द बेस्ट एक्सपीरियंस बट ऑल मेस्ड। आई मीन, जहां पर पेट्रियोटिज्म साइड देखने मिलता है फिल्म का, वहां पर फिल्म आधी लटकी हुई नजर आती है। एंड जहां पर इमोशनल साइड देखने मिलता है फिल्म में, वो एकदम भटकता हुआ एंड ना कनेक्शन मिलता हुआ नजर आता है। एंड फिर फिल्म धीरे धीरे कहां से कहां पहुंच जाती है। इनफैक्ट क्लाइमेक्स में तो राम मंदिर तक पहुंच जाती है। ये चीज देख के तो मोदी जी भी बोल देंगे कि मेरे भाई और बहनों कंगना जी, फिल्म के नाम पर मां बहन नहीं करनी थी। फिल्म को लेकर दो अच्छी बात लग सकती है। एक, फीमेल्स के लिए मोटिवेशन हो सकता है ये फिल्म। एंड दूसरी तरफ कंगना बीइंग एन एक्ट्रेस, वो किसी हीरो से कम नहीं है, वो आज भी साबित करते हुए जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं देख के अच्छा तो लगता है। बाकी फिल्म की VFX की बात करूँ तो वो इतना डब्बा लगता है, स्पेशली वो क्लाइमेक्स के वो फाइटर प्लेन्स वाला शॉट। आई मीन दैट वॉज वर्स्ट। इतनी गंदी एडिटिंग, टोटल वीडियो गेम लगता है एंड प्लस खिचड़ी लग जाता है। ऊपर से डायरेक्शन में भी घोटाला एंड परफॉर्मेंस में भी ताला, तो कहीं ना कहीं आपको मायूस एट द एंड फील करा ही देता है। आप सोचो ना, मेरे दो अच्छे फ्रेंड्स आए गुजरात से, आज सुबह ही आए, तो मैंने बोला चलो उनको तेजस दिखा देता हूँ, वो लोग भी तेजस देखे एंड आज का ही गुजरात का रिटर्न टिकट भी मार दिए वो लोग। सो ओवरऑल तेजस एक बार देखी जा सकती है, बाकी इट वोंट सर्वाइव एट बॉक्स ऑफिस। बाकी कंगना रनौत तो अपने बातों से भले ही भटका दे ऑडियंस को, वो इसलिए भटकाती ताकि किसी का ध्यान ना जाए कि ये उनकी 10वीं फ्लॉप रहेगी बॉक्स ऑफिस पे। ओवरऑल मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 out of 5 स्टार। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कॉफी विद करण पे एक स्पेशल एपिसोड कल लाऊंगा मैं, बहुत मजा आने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।